नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी सात खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज आपको पुरानी संसद से नई संसद तक का यादगार सफर दिखाएंगे। वो तस्वीरें, वो ऐतिहासिक क्षण जो यादों के एल्बम में कैद हो गए। पीएम मोदी अपने सभी मंत्रियों के साथ पैदल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन गए और पूरी दुनिया इन तस्वीरों की गवाह बनी। आज संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही नए संसद भवन में हुई। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, इसे अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाएगा। कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इस पर चर्चा होगी। इस पर हमने जानकारियों से भरी हुई एक विशेष कुंजी तैयार की है। आज संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी संसद प्रेरणा देती रहेगी और उनकी प्रार्थना और सुझाव है कि भविष्य में पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाए। इसके अलावा सत्ता की वर्कशॉप में आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वैचारिक मरम्मत करेंगे, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानी की हत्या के मामले को उठाकर भारत पर झूठे आरोप लगाए। हालांकि भारत ने जवाब भी उसी अंदाज में दिया है। आज वर्कशॉप में प्लास, हथौड़ा, पाना सारे टूल्स रहेंगे और यह सर्विस थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि ट्रूडो के विचारों का अलाइनमेंट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। एक अपडेट आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 7 दिनों से चल रहा ऑपरेशन आज खत्म हो गया। ऑपरेशन में लश्कर तोयबा आतंकी संगठन के 2 आतंकवादी मारे गए, इनमें लश्कर कमांडर उजैर खान भी शामिल है। पीएम मोदी ने आज अपना व्हाट्सएप ग्रुप चैनल लॉन्च किया है, इससे वो युवाओं से सीधे जुड़ेंगे। आपको बता दें कि व्हाट्सएप सेलिब्रिटीज और लोकप्रिय लोगों को व्हाट्सएप चैनल बनाने की सुविधा देता है। और इसरो ने आदित्य अंतरिक्षयान को पृथ्वी की कक्षा से L1 पॉइंट की तरफ भेज दिया है। यहां से स्पेसक्राफ्ट अपना 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू करेगा। ये 110 दिन बाद जनवरी 2024 में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा।